ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सभी सम्मानित कार्यकर्ता मित्रों, मंच पर आसीन आज की सभा के प्रमुख अतिथि माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, मेरे भारत स्वाभिमान अभियान में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके यहाँ के जो आईजी महोदय हैं उज्जैन जोन के श्री पवन जैन जी, जिनकी कविताएं हमने बार बार सुनी हैं हरिद्वार में, आस्था चैनल पर भी आई हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित डीआईजी श्री आदर्श कटियार जी, माननीय विधायक श्री पारसमल जी, माननीय विधायक श्री मनोहर भाई, एसपी रतलाम श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों से मैं आपके बीच में आ सका, एसपी नीमच श्री राधेश्याम जी और एसपी मंदसौर श्री डीपी गुप्ता जी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से माननीय श्री वेद प्रकाश जी शर्मा का, जो पुलिस अधीक्षक हैं रतलाम के, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पांजलि का, जो हमारे भारत स्वाभिमान की मध्य प्रदेश की राज्य प्रभारी हैं, उनके बार बार अनुरोध के कारण मैं यहां पर आ सका और मुझे आप सबसे संवाद करने का मौका मिला, मुझे बहुत आनंद है, खुशी है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का कुछ संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूं। कुछ बातें उनके द्वारा जो मुझे कही गई हैं, क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी को जब बताया कि मैं रतलाम जा रहा हूं, क्या कहूं, तो उन्होंने कहा कि दो तीन बातें जरूर कहना मेरी तरफ से, तो जो बातें उन्होंने मुझे कही वो मैं पहले कहूंगा, बाद में कुछ मेरी बात कहूंगा। सबसे पहले परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने जो आपके लिए कहा है वो ये कि ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति अपना काम अच्छे तरीके से करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता सदस्य एकदम स्वस्थ हों, निरोगी हों, उनका जीवन रोग मुक्त हो, उनका जीवन प्राण युक्त हो, चिकित्सा मुक्त हो, ये बहुत आवश्यक है। अगर नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी सदस्यों को बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है हाई या लो, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को सिर में दर्द है, किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है, किसी को बुखार बार बार आता रहता है, अगर ऐसी बीमारियों में आप घिरे हुए हैं तो आप जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो नगर की क्या करेंगे, गांव की क्या करेंगे। तो परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे कहा कि सबसे पहली बात तो मेरी तरफ से ये कहना कि नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता स्वस्थ हों, निरोगी हों, संपूर्ण रूप से तन और मन से किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, ये उनका पहला संदेश है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए रोज नियमित सवेरे 5 बजे उठकर थोड़ी देर प्राणायाम कर लें, थोड़े योग आसन कर लें। प्राणायाम और योग आसन आपको निशुल्क रूप में सिखाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रतलाम, नीमच और मंदसौर तीनों ही स्थानों पर भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हैं, पतंजलि योग पीठ के योग शिक्षक हैं, वो आपके बीच में आकर योग की कक्षाएं ले सकते हैं और आप सबको ये सब बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। हमारे माननीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी योग में बड़े अच्छे पंडित हैं, प्राणायाम बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद करते हैं, सिखाते रहते हैं, पुलिस वालों को बताते रहते हैं, वो भी आपको ये सब बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप में सीखने की ललक थोड़ी पैदा हो जाए तो सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत में लगभग 11 लाख योग शिक्षक हैं जो प्रतिदिन निशुल्क रूप से योग कक्षाएं लेते हैं और आपके जैसे करोड़ों लोगों को योग और प्राणायाम सिखाते हैं। तो आप ये थोड़ा सीख लीजिए, बहुत आसान है। सांस को कैसे भरना है, सांस को कैसे निकालना है, छोटा छोटा
प्रयासों से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, प्रणव, ये 5-7 प्राणायाम आप नियमित करते रहें, निश्चित रूप से आप निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि करोड़ों भारतवासी ये प्राणायाम करके निरोगी हो चुके हैं। जिनको ब्लड प्रेशर रहता था 20-20 साल से, जिनको डायबिटीज थी 20-20 साल से, जिनके हृदय में 3-3 ब्लॉकेज थे, डॉक्टरों ने जिनका कह दिया था कि बचने की दूर दूर तक संभावना नहीं, जो कैंसर के मरीज थे, अर्थराइटिस में जो बिस्तर पर हमेशा पड़े रहते थे, उठ नहीं सकते थे, ऐसी गंभीर बीमारियों के बहुत सारे लोग इस देश में निरोगी हो चुके हैं, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम करके। तो परम पूजनीय स्वामी जी का पहला आपके लिए संदेश है कि आप नियमित रूप से थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, स्वस्थ बने, और आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ परिवार सुखी परिवार होता है, और जो आदमी सुखी होता है वो दूसरों को सुख दे सकता है, दुखी आदमी कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता। तो आप सब ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य सुखी बने, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल ही है सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सब सुखी बने, ये तभी संभव है जब निरोगी होंगे, और निरोगी होने के लिए बहुत आसान तरीका है, सुबह थोड़ा आधा घंटे 45 मिनट अगर हो सके तो 1 घंटे का प्राणायाम और योग। अगर आपके घरों में टेलीविजन की व्यवस्था है और केबल कनेक्शन अगर आपके पास है, तो आस्था चैनल पर परम पूजनीय स्वामी जी खुद सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक हर दिन बिना किसी रुकावट के ये योग और प्राणायाम सिखाते हैं। वो आप आस्था चैनल खोलकर कभी भी बैठ के देख सकते हैं, चैनल पर देखकर, टीवी पर देखकर सुन सकते हैं, और हमारे योग शिक्षकों से सीख सकते हैं। दूसरा संदेश परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दिया है आप सभी के लिए, वो ये कि नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों, उनके जीवन में कोई व्यसन ना हो, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, गुटखा ना खाएं, शराब ना पिए, अफीम का कश न लगाएं, मारीजुआना का कश न लगाएं, किसी भी तरह का कोई व्यसन ना करें। स्वामी जी ने ये दूसरा संदेश दिया। उनका ये कहना है कि अगर आप व्यसन में फंसेंगे तो आप समाज में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, और अगर आप समाज में आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, और अगर समाज का व्यक्ति आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो आपकी बातों का वजन नहीं होगा, और आप जो करना चाहते हैं वो काम नहीं होगा आपसे। इसलिए आपसे स्वामी जी ने कहा है कि आप पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों, शराब न पिए, गुटखा न खाएं, बीड़ी सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाएं, किसी तरह की कोई जहरीली दवाओं का कष न लेना शुरू करें, और अगर ले रहे हैं या ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस व्यसन से आप मुक्त हो जाएं, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप ये कहेंगे कि हम तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो व्यसन नहीं करते, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में सब तरह के व्यसन छोड़ दिए हैं, लेकिन जो छोड़ नहीं पाए हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से उनके मन को इतनी शक्ति मिले कि वो इस व्यसन को छोड़ सकें।